हेलो दोस्त, मैं सत्या टीचर गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रायल प्ले स्पैचुला डिजाइन, जो कि एशियन पेंट का डिजाइन है। दोस्तों, इस स्पैचुला में हम स्पैचुला टूल्स यूज करते हैं, जो कि ये है। स्पैचुला टूल्स यूज करेंगे दोस्तों, इसमें सरफेस प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपके बता दिया है, फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार आपको बोल देता हूँ सरफेस प्रिपरेशन इसका कैसे होना चाहिए। सरफेस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, जो कि अंडुलेशन फ्री होना चाहिए, इसमें जरा सा भी अंडुलेशन नहीं होता है। अगर अंडुलेशन रहेगा दोस्तों, तो ये जो टूल्स होता है ना, ये टूल्स मटेरियल को जगह जगह पर छोड़ देता है, कहीं कहीं पकड़ता है, कहीं कहीं नहीं पकड़ता, तो डिज़ाइन आपका प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए अंडुलेशन फ्री होना चाहिए। दीवार दीवार में जो डबक होती है, जिसे आप डबक बोलते हैं, डबक नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए दोस्तों दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक लोग मटेरियल लगाते जाते हैं, दूसरा जो होता है वो डिज़ाइन क्रिएट करता जाता है। इसमें जो हम मटेरियल अप्लीकेशन करेंगे, ये 3x3 के सेक्शन में करेंगे, 3x3 के सेक्शन में हम इसको करेंगे, ठीक है। 3x3 के सेक्शन में इसको हम डिज़ाइन बनाएंगे, एक लगाता जाएगा, दूसरा उसके पीछे पीछे डिज़ाइन बनाता जाएगा। और इसमें भी हम वही मेथड यूज करेंगे एप्लीकेशन का, जो पहले हमने आपको वीडियो में बताया था, एक बार आप फिर से देख लो। इसमें हमने इसे 10x10 की दीवार हो गई, 100 square feet की, ये 3x3 का हमने सेक्शन बना लिया, ये पहला किया, ये दूसरा किया, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां, और ये आठवां, और ये नौवां, ये कंटिन्यू हो गए ऐसे, ठीक है दोस्तों, ठीक। इस तरह से हम इसको बनाते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, इसमें हम एप्लीकेशन रोलर से माल लगाएंगे और ये स्पेस प्लॉट फूल से डिजाइन बनाएंगे। दोस्तों, जो मटेरियल फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए 3x3 के लिए इसमें हम 3x3 के लिए हम इसमें 7 से 9 मिनट टाइम लेंगे। 3x3 के पैच के लिए हम 7 से 9 मिनट टाइम लेंगे, 7 से 9 मिनट के अंदर में इसको हम डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे। इसमें देखिए अलग अलग साइज़ बने हुए हैं, जो भी साइज़ आप चाहते हैं वो साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये देखिए सबसे बड़ा साइज़ है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, राइट। देखिए सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा ये है। तो इसमें हम ये मीडियम वाला यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला ये यूज करते हैं। सॉरी, इसमें स्क्रैच आ रहा है, ये देखो स्क्रैच आ रहा है, ये ठीक नहीं है शायद, तो दूसरे साइड से हम इसको यूज कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक चल रहा है, ठीक है, ये ठीक चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम जैसे ऊपर से इसको एक इधर से इस तरह से पहले ऊपर की साइड से खींच लेंगे, फिर साइड से भी इसको, ठीक
इस तरह से ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको फैन से भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखिए, ये जो सीलिंग फैन होता है, इस तरह से इसमें आप ऐसे खींचते चले जाओगे। ये कभी भी दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जैसे हमने ये खींचा, ये चीज यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। इसका जो टेल होता है ना, इसका जो टेल होता है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये कभी भी दिखना नहीं चाहिए और मत्था कटना नहीं चाहिए। इसके जो मत्ते होते हैं, ये पूरे का पूरे दिखने चाहिए और जो टेल होते हैं, पूरे के पूरे दबने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें मटेरियल ज्यादा हो जाता है तो ये एक्सेस मटेरियल इसके ऊपर निकालते जाओ। इसे स्टार्टिंग में दोस्तों हल्का सा इसमें मार लेते हैं, फिर इसको ऐसे खींचते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का फिर लगा लेते हैं इसको। आप देख रहे हैं एप्लीकेशन किए हुए हिस्से में से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, 6 इंची या 1 फीट आप छोड़ दोगे।
ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका रॉयल प्ले स्पैटुला डिजाइन। ठीक है, इसमें देखिए कोने पे दोस्तों चमक रहा है, वहाँ पर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वहाँ पर रोशनी ज़्यादा पड़ रही है। तो दोस्तों आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे। अभी आपको मैं सारा का सारा डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ, रॉयल प्ले के जितने भी डिज़ाइन हैं सब मैं आपको वन बाई वन करके दिखाता रहूँगा। ठीक है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, आप नए नए वीडियो उनको देखने के लिए आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो भी नए नए वीडियो दिखा बनाऊँगा तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।